बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ कंसेप्ट फॉर मैथमेटिक्स चैनल में। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर बात कर रहे थे, तो आपकी बुक के अंदर जो थर्ड टाइप एक्सप्लेन की गई है मैट्रिसेस की, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर आप रेक्टेंगुलर की शेप अपने जहन के अंदर लाएं, तो वो कुछ इस किस्म की होती है। ये रेक्टेंगुलर की शेप है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूं, तो आप यहां पे देखें, तो मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपके पास रो होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन, ये आपके पास क्या होती है? कॉलम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपके पास रो वाली लाइन है और जो कॉलम वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स इसकी बुनियाद पे आप इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, तो देन इट इज कॉल्ड, इफ नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम चाहते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2, 3, 1, 5, 6, 7। द अनदर एग्जाम्पल इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोनों का ऑर्डर चेक करें, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। दोनों ऑर्डर के अंदर आप चेक कर सकते हैं जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। जो फोर्थ टाइप एक्सप्लेन की गई है वो है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज स्केयर मैट्रिक्स स्टूडेंट? सिमिलर उसी मैथड से मैं आपको ये भी डेफिनेशन समझाऊंगा जिस मैथड से आपको मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाई। आप स्केयर मैट्रिक्स की शेप अपने माइंड के अंदर लाएं, तो स्केयर मैट्रिक्स की जो शेप है वो इस तरह होती है कि इसके अंदर जो फोर साइड्स होती हैं, वो फोर की फोर साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल आपके पास रो होती है, वर्टिकल कॉलम होती है। आप इन दोनों लाइनों को चेक करें, तो जो रो और कॉलम की लाइनें, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स कि इसके बुनियाद पर फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर रो की लाइन और जो कॉलम की लाइन, ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर वो एक दूसरे के इक्वल हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्केयर मैट्रिक्स। यानी कि इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जस्ट नॉट हम रिमूव कर देंगे, इज इक्वल टू, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स। स्टूडेंट डेफिनेशन वही रहेगी, जस्ट जब रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन करनी है तो नॉट लगा देना है, जब स्केयर की करनी है तो नॉट को आपने रिमूव कर देना है, इसका स्केयर मैट्रिक्स। अब हम चाहते हैं एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। अगर आप ये एग्जाम्पल चेक करें, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। द अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इज 2/2 है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो स्केयर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट टाइप्स आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई है वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट,
नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। स्टूडेंट आप नेम पे गौर करें, जब अगर स्टूडेंट एक बार जेन के अंदर आते हैं, अगर आपके पास जस्ट ये डेफिनेशन आए तो व्हाट इज नल मैट्रिक्स या व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों के दो मुख्तलिफ नाम है, एक नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, दोनों चीज एक ही है। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप नाम पे गौर करें तो यहाँ पे लफ्ज हुआ है नल यानी कि जीरो, जीरो मैट्रिक्स, इट मींस आप नाम पे गौर करें तो यहाँ पे जीरो दिया गया है, इट मींस कि ऐसा मैट्रिक्स आपके पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसके अंदर मौजूद जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपकी आल जीरो हो, यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो, अगर उसके तमाम तमाम एंट्रीज क्या हो जीरो हो तो हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, जस्ट लाइक दिस। Another example of zero matrix is, students आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो है, तो लिहाजा ये एग्जाम्पल किसके लिए, नल और जीरो मैट्रिक्स। इससे नेक्स्ट जो आपके बुक के अंदर टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है वो ट्रांसपोज को एक्सप्लेन किया गया है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं। स्टूडेंट ट्रांसपोज मालूम करने का सिंपली सा तरीका ये है कि आपके पास कोई भी अगर एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप मैट्रिक्स जो गिवन है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं, या तो आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दें, नंबर वन ये मैथड है, या तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर दें, या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दें, वो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लाएगा, यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इफ वी चेंज द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो देन फिर क्या करें, इफ तो फिर क्या करें कि नंबर ऑफ कॉलम्स चेंजिंग इनटू नंबर ऑफ रोज, तो उसके बाद जो आपके पास न्यू मैट्रिक्स हासिल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कब, जब आप नंबर ऑफ रोज को या कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, उसके बाद जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। आप अमूमी तौर पर ट्रांसपोज को किसी भी अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, हम ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं, अमूमी तौर पर इस तरह ट्रांसपोज लिया जाता है। अब हम चाहते एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, 3, 5, 6, 7, 8, 9, अब हमने ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज लेने के लिए हम ऊपर छोटा सा एक टी लगा देंगे, फर्स्ट टाइम हम इधर भी एक छोटा सा टी लगा लेते हैं, ये शो कर रहा है कि हम अब हम क्या करने लगे हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अब ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन के अंदर समझा दिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास रोज है, अब या तो रोज को आप कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, बात एक ही, आंसर सेम आएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, रो को कॉलम में चेंज करने, ये मेरे पास रो है तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा,
तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया है, ये मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स आया है ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, किसका? ए मैट्रिक्स का, यानी ट्रांसपोज किसका? ए मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन भी है वो भी सेम इसी तरह, मैं फिर भी मजीद क्वेश्चन करवा दूंगा। इससे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी बुक के अंदर वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इससे नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए जो आपको गिवन था, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इट मीन्स कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इट मीन्स यहाँ पे अब ए ट्रिक्स नहीं है कि हमारे पास हमेशा जो मैट्रिक्स गिवन होगा वो ए ही होगा, ए के अलावा कोई और भी मैट्रिक्स हो सकता है। इट मीन्स सिंपली ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए जो आपको गिवन था तो देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is called symmetric matrix if the matrix A, if A का transpose is equal to A. अब मैं एक example देखते हैं। Students, मैं आपको symmetric और skew matrix का hint दे दूँ। इनकी example आमतौर पर थोड़ी सी difficult हो जाती। Symmetric की तो difficult नहीं है, skew की थोड़ी सी हो जाती। मैं आपको simply सा hint दे रहा हूँ। Students, आपने जो डायगनल एंट्रीज हैं वहां पे आपने जीरो जीरो लिखना है, ये डायगनल एंट्रीज होती हैं। अब हमने अभी तक वैसे डायगनल एंट्रीज पढ़ा नहीं, हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डायगनल एंट्रीज भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वाली मेरे पास डायगनल एंट्रीज होती हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेम एलिमेंट चूज करने हैं, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, अगर यहाँ पे तीन लिखना है तो यहाँ पे भी तीन, लेकिन यूजुअली जो हमारे पास डायगनल एंट्रीज हैं वो आपने जीरो जीरो रख लेनी है, और या जीरो जीरो नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे भी डायगनल जो एंट्रीज हैं वो सेम लेनी है, यानी कि वन वन भी ले सकते हैं, थ्री थ्री भी ले सकते हैं, टू टू भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम इसका क्या लेते हैं? ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज है उनको आप कॉलम में लिख दें, ये रो है इसको हमने कॉलम में लिख दिया। अब हमने एक का ट्रांसपोज ले लिया, आप एक का ट्रांसपोज चेक करिए, वाला जो आंसर आया एक का ट्रांसपोज का वो सेम टू सेम एक की रकम के मुताबिक है, तो सो जो एक का ट्रांसपोज फिर किसके बराबर आ गया? ए के। तो देन इट इज द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, सॉरी जो टाइल्स एक्सप्लेन की गया वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स डेफिनेशन वही है, लेकिन इस टाइम अगर ए का जो ट्रांसपोज है हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन देन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए? माइनस ए के, तो देन इट इज कॉल्ड अ स्क्यू मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जब भी आप स्क्यू मैट्रिक्स की एग्जांपल लेनी है तो उस वक्त जो डायगनल एंट्रीज है वो आपने सेम रखनी है, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है वो भी आपने सेम लिखनी है, लेकिन इस टाइम आपने क्या करना है कि जो नॉन डायगनल एंट्रीज है उसमें से किसी एक एंट्री के साथ माइनस का साइन लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब हम इसका क्या लेंगे? ट्रांसफोर लेंगे। आप इसका ट्रांसफोर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। स्टूडेंट्स यहां पे आप बात जेन मशीन कर लें कि जो आपने डायगनल एंट्रीज लेनी है वो सेम लेनी है।
ये बात अपने माइंड के अंदर बैठा रहा। आपने जो डाइन सॉरी स्टूडेंट्स जो डाइन एंट्रेंस लेनी है वो जीरो लेनी है, जीरो के अलावा और कोई भी नहीं लेनी। हाँ अलबत्ता आप मैथमेटिक्स के अंदर डाइन एंट्रेंस जो है वो जीरो के अलावा, मैंने कहा एग्जाम्पल किस्सा लेते हैं डायन मैंने ये बताया आपको मैथमेटिक्स के अंदर आप जो डायन एंट्रीज है वो जीरो के अलावा कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी सेम है। लेकिन जस्ट क्यूस मैट्रिक की आपने एग्जाम्पल लेनी है तो उस वक्त जो डायन एंट्रीज है वो आप जीरो ही लेंगे, जीरो के अलावा और कोई आपने एलिमेंट कोई और नंबर नहीं लेना, जीरो ही लेना है डायगनल के लिए। और नॉन डायगनल एंट्रीज आपने सेम लेनी है, जो भी लें सेम लेनी, लेकिन एक एंट्री के साथ माइनस का साइन लगाना है। अगर स्टूडेंट हमने ये ट्रांसपो ले लिया, अगर आप देखें ये ट्रांसपो इसके इक्वल नहीं है, आप देखें जीरो जीरो के तो इक्वल है लेकिन यहाँ पे माइनस तीन है तो यहाँ पे प्लस का तीन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस की इंडेक्स है तो ये प्लस में चल जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस में ये जीरो की रहेगी। अब स्टूडेंट देखें तो ए का ट्रांसपोज बराबर, अब यहाँ पे ये आप माइनस को एक बार छुपा लें तो अब ये मेरी जो रकम है ये दोबारा उसी रकम के इक्वल आ गई जो हमें गिवन थी, तो ये बराबर इसके ए के, तो ये माइनस का साइन ऑलरेडी है तो ये किसके बराबर आ गया माइनस ए के। इट मीन्स किसकी उस मैट्रिक्स आपके पास ऐसे मैट्रिक्स होंगे तो अगर आप उसका ट्रांसपो लेते हैं जो मैट्रिक्स गिवन है तो दोबारा किसके इक्वल आएगा माइनस उस मैट्रिक्स के, सॉरी अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है लेट्स सो ए मैट्रिक्स गिवन है तो अगर आप उसका ट्रांसपो लेते हैं वो किसके बराबर आएगा माइनस ए के। और मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं अगर आप उसका ट्रांसपो लेते हैं वो किसके बराबर आएंगे ए मैट्रिक्स के। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इनबॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम।